हाँ जी, तो ये मे बी लास्ट वीडियो है ब्रायोफाइट का, है ना। हमने ब्रायोफाइट का बात करी थी, है ना। तो ये ब्रायोफाइट का लास्ट वीडियो, और इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट, है ना। तो ब्रायोफाइट ऐसे कुछ खास इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है नहीं, ब्रायोफाइट ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकली है नहीं, है ना। एनसीईआरटी भी ये बात बोलता है फिनलैंड में ना, लेकिन कुछ जगह पर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखता है। तो वो कहां कहां है वो बात कर लेते हैं हम, है ना। जैसे मॉसेस जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है एज ए फूड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कौन खाता है इसको? इसको खाते हैं हर्बेशियस मैमल्स, है ना। यानी कि वो मैमल्स जानते हो, है ना, स्तनपायी जीव, है ना। तो वो मैमल्स जो हर्बेशियस है यानी कि हर्बीवोरस है, तो वो मैमल्स किसको खाएंगे? मॉसेस को, है ना। तो उनके लिए फूड है मॉसेस, है ना। बर्ड्स के लिए कुछ बर्ड्स क्या करती हैं? ये भी मॉसेस को खाती हैं, है ना। और कुछ अदर एनिमल्स भी, है ना। तो ये बात है ना। तो एक बात तो ये हो गई कि फूड की तरह इस्तेमाल होता है, है ना। दूसरी बात क्या है? ऑल्सो ग्रो ऑन बेयर रॉक एंड सॉइल, है ना। बेयर रॉक और सॉइल पे ग्रो करता है ना। ये भी का मतलब, ऑल्सो का मतलब कि भैया और कोई भी है, लाइकिंस करता ना रॉक के ऊपर, कौन ग्रो करता था सबसे पहले? लाइकिंस। लेकिन मॉसेस भी ग्रो करता है ना, मॉसेस भी ग्रो करता है जैसे कि लाइकिंग करता है। तो मैंने लिखा है ऑल्सो ग्रो ऑन बेयर, बेयर मतलब वो बिल्कुल ऐसा रॉक है जहां पर कोई भी वेजिटेशन नहीं है, ऐसी जमीन है, ऐसी सॉइल है जहां पर कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई ग्रीनरी नहीं है ना, बिल्कुल बंजर सा टाइप है ना। तो वहां पर सबसे पहले कौन ग्रो करेगा? मॉसेस करेगा ना, लाइकेंस, जैसे लाइकेंस करते हैं ना। तो ये दो पॉइंट हो गए, एक और पॉइंट है ना। एक और पॉइंट क्या है कि ये जो मॉसेस हैं, ये जो जमीन होगी ना, जमीन के ऊपर पूरा बिल्कुल ग्रीन ऐसे करके एक कोट बना देंगे, चटाई सी बना देंगे, है ना। चटाई मतलब मैट, है ना। तो मैट सा बना देंगे, मतलब जमीन है, तो जमीन के ऊपर क्या हो जाएगा, ऐसे करके ऊपर बिल्कुल फैल जाएंगे, बिल्कुल एक मोटा सा कवर कर देंगे उसको, मतलब जमीन को, है ना। तो ये जो कवर कर देते ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, सॉइल उड़ नहीं जाएगी, है ना। सॉइल वहीं के वहीं रहेगी, सॉइल गायब नहीं हो जाएगी। जब पानी बारिश आएगी बहुत तेज, तो सॉइल यहां से ना चली जाए, तो ये एक फायदा और, है ना। यानी कि सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है मॉसेस। तो मैं लिख देता हूं इस बात को, हाँ जी। तो क्या लिख दिया मैंने? फॉर्म डेंस मैट, है ना। एक बड़ा सा एक क्या करेगा, जमीन मान लो ये, तो इसके ऊपर क्या करेगा, एक बिल्कुल डेंस मैट बना देगा, है ना, बिल्कुल मैट सा बना देगा, है ना, बिल्कुल चटाई सी लग जाएगी, ऐसे लग जाएगी, बहुत पूरा मैट कवर कर लिया उसने, है ना। मॉसेस की एक मैट सी बन जाएगी जमीन के ऊपर, ऐसा लगेगा पूरा क्या हो गया है, लैंड कवर हो गया, है ना। तो मॉसेस फॉर्म डेंस मैट ऑन सॉइल, जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस इंपैक्ट ऑफ रेनफॉल जब होगी तो उसका इंपैक्ट को थोड़ा कम किया जाएगा ना, ऐसा ना कि बहुत तेज रेन गिरेगी और मिट्टी पूरी क्या हो जाएगा, पूरी सॉइल गायब, है ना। वहां उसका जो इंपैक्ट होगा ना वो कम करेगा, यानी कि, है ना, उसका जो रेनफॉल का जो इंपैक्ट होगा जमीन के ऊपर उसको कम करने का काम, प्रिवेंट सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करता है ना, यानी कि मिट्टी यहां से गायब नहीं होगी, उसको भी बचा के रखेगा मॉसेस, है ना। और देखें, हाँ, स्टेगम है ना, ये भी एक मॉस है। अच्छा, जहां जब हमने पढ़ा था ना मॉस के बारे में, पिछली बार जो, मतलब अभी जो हमने पढ़ा था मॉसेस का, कि वो फूड की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पर मॉस का नाम नहीं था, है ना, मॉसेस, है ना, मॉसेस का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था, कौन सा मॉस इस्तेमाल होता है फूड की तरह, है ना। तो यहां पर एक मॉस है ना, ये एक मॉस है ना, जिसका नाम क्या है, स्टेगम, ये एक मॉस है, इसका नाम स्पेसिफाई किया गया है ना। इसके पास भी क्या है, बहुत शानदार क्वालिटी है ना, जिसकी वजह से इसको हम पढ़ रहे हैं, है ना। इसका नाम है स्पेगनम, याद आ रहा है, ये मॉसेस है ना, मॉसेस के एग्जांपल हमने देखा था, स्पेगनम आया था, है ना। क्या होता है इसके पास, खास बात क्या है कि ये अपनी बॉडी वेट का 18 गुना वेट पानी होल्ड करके रख सकता है, यानी कि अपने बॉडी जितना वेट है इसका, उसका 18 गुना ज्यादा पानी स्टोर कर सकता है ना। तो कैन होल्ड वाटर मोर देन 18 टाइम्स इन कंपेयर इट्स
वेट है ना, तो अपने वेट के मुकाबले अगर इसका वेट 1 ग्राम का है तो ये 18 ग्राम पानी को रोक के रख सकता है ना, होल्ड करके रख सकता है। स्पंज है मतलब कहने का है ना, स्पंज की तरह इस्तेमाल होगा है ना, ये स्पंज है ना। स्पंज जैसे कि क्या होता है, पानी में डूबो तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, बहुत सारा पानी वो होल्ड कर लेता है, वैसे ही कुछ है ना। तो ऐसे इसी क्वालिटी की वजह से है ना, पानी होल्डिंग क्वालिटी की वजह से क्या होता है, यूज एज पैकिंग मटेरियल है ना, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स फ्लावर है ना, ये प्लांट्स फ्लावर नहीं लिखा हुआ है ना, ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है ना, पैकेजिंग मटेरियल की तरह इस्तेमाल होता है ना, यानी कि चीजों को पैक करना है, जैसे कि कोई प्लांट ट्रांसपोर्ट करने है ना, कुछ प्लांट्स एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफर करने है, तो वो आप डाल दोगे ट्रक में या फिर जिस भी चीज में आप ट्रांसफर करने है ना, अब उनको पानी तो मिलेगा नहीं, तो पानी रेगुलरली उसको मिलता रहे थोड़ा 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 थोड़ा, तो क्या करेंगे, स्फेग्नम उसमें रख देंगे है ना, प्लांट के साथ स्फेग्नम रख देंगे, तो वो स्फेग्नम क्या करेगा, थोड़ा 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 करके पानी रिलीज करता रहेगा और उसको पानी पहुंचाता रहेगा, तो ये एक अच्छा काम है ना। दूसरा क्या होता है कि जैसे कि पानी, जैसे कि क्या था, फ्लावर है ना, तो जैसे कि फ्लावर ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, फूल वगैरह है ना, एक जगह से दूसरा अच्छा खासा बिजनेस है इसका है ना, कल्टीवेट होते हैं इसलिए फ्लावर्स है ना, उनको कल्चर किया जाता है एग्रीकल्चर में कल्चर किया जाता है उनको ना, फ्लावर्स वगैरह को, तो उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी, क्योंकि अगर फ्लावर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और उसको लग गए एक दिन भी अगर लग रहा है उसको या फिर 6 घंटे भी लग रहे हैं, तो फ्लावर क्या हो जाएंगे, फ्लावर्स क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे ना, तो इसलिए भी क्या होता है, फ्लावर्स को भी ट्रांसपोर्ट आप इस तरह से कर सकते हो, स्फेग्नम में लपेट के है ना, स्फेग्नम रख देंगे उसके साथ है ना। और यूज एज पिट, पिट का फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है ना, ये फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल होता है, जैसे होते हैं ना कुछ ग्रासेस होती है जिनको सुखा दो तो फिर वो जलाने के काम में आ सकती है ना, तो वैसे ही कुछ है ना, स्फेग्नम भी क्या होता है, फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है, और पिट की तरह, पिट क्या होता है भाई, पिट जरा सुनो, जो स्फेग्नम होगा ना वो ग्रो किया है ना, वो बहुत सारा ग्रो किया, उसको एक जगह पे रख दो और उसको सॉइल से ढक दो, मिट्टी में ढक दो, दबा दो मिट्टी में है ना, तो वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्लैक कलर का एक ऑर्गेनिक पिट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं पिट है ना, जैसे कोको पिट वगैरह होता है ना, उसको इस्तेमाल करते हैं गार्डनिंग में है ना, ताकि वो वाटर को होल्ड करके रखे है ना, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, स्फेग्नम के पिट को आप गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, कि भैया आपका गमला है तो गमले में आप पानी डालोगे तो पानी निकल जाएगा सारा, कहने का मतलब ज्यादा देर रुकेगा नहीं इसमें पानी है ना, आपकी सॉइल बहुत अच्छी है तो अलग बात है ना, आपकी सॉइल ज्यादा अच्छी नहीं है तो आपने क्या करना है, उसको अच्छी करने के लिए उसमें आपको थोड़ा सा स्फेग्नम का पिट, पिट मतलब वो बिल्कुल डिकम्पोज हो गया होगा है ना, डिके हो गया होगा, डिके हुआ मटेरियल होता है स्फेग्नम का, डिकेइंग मटेरियल है ना, तो उसको आप सॉइल में मिला दो, तो क्या होगा, वो स्फेग्नम जो होगा अब भी क्या करेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी तो वो पानी को रोक के रखेगा मिट्टी में है ना, तो आपका प्लांट ज्यादा अच्छी तरह से ग्रो करेगा है ना, तो कुछ ऐसा कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है।